अच्छा मैं आगे बैठा हूँ और जो है वो बादल छटके एकदम धूप आ गई। ऐसी बात है, सूरज भी देखना चाहता है कंपटीशन कौन है उसका दुनिया में। खैर मुझे जो मतलब आप लोगों से डिस्कस करना था ना, वो ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस की बड़ी गेम है यार दुनिया में। और जैसा कि आप सब अगर मुझे देखते ही हैं तो आपको पता होगा कि यार कॉन्फिडेंस में मैं हमेशा जीता रहा हूँ, और मेरी हर चीज़ में कोई भी एक्टिविटी वगैरह होती है या कोई भी डांस या कोई भी किसी तरह का भी प्लेटफॉर्म होता है तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता हूँ कि भाई आई हैव दैट, मैं मेरे को सब आता है वाला एलिमेंट। लेकिन कुछ अरसे से, बल्कि काफ़ी अरसे से, अब तो मतलब मैं अगर आपको बताऊँ तो 7 से 8 महीने हो गए, वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डिप कर चुका है। उसका एक रीज़न, बहुत रीज़न है वैसे, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर रीज़न बस आपको बताऊँगा कि आई एम सफरिंग थ्रू क्रॉनिक फेरेंजाइटिस, मेरे ख्याल में यही नाम है यार, हाँ ये फेरेंजाइटिस यही है। इसमें क्या होता है कि आपके ट्रॉन्सेस होते हैं ना, वो आपके नेज़ल उससे अफेक्ट होके कुछ इन्फेक्शन टाइप हो जाता है, तो आपकी आवाज़ जो है ना वो सही से निकल भी नहीं पाती। एक तो मुझे बहुत फील होता है कि मेरी आवाज़ किसी फिल्टर के थ्रू आ रही है, बहुत ज़ोर लगा के मुझे बोलना पड़ रहा है, और दूसरा ये कि इतना ओवरली सेंसिटिव गला हो जाता है कि कोई भी हल्की सी डस्ट पार्टिकल या स्मोक हल्का सा भी कहीं मेरे चला जाए ना अंदर गले के, तो गले में खराश जमा हो जाती है, गले में गला बंद हो जाता है। और पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि मैं स्मोक नहीं करता, लेकिन मेरे सारे दोस्त स्मोक करते हैं और मैं उनके दरमियान हमेशा रहा हूँ। मतलब पैसिव स्मोकिंग मैंने हमेशा की है, लेकिन पहले कभी कुछ ऐसा नहीं होता था, बस मुझे खुशबू नहीं पसंद थी उसकी, लेकिन कभी इस तरह चोक नहीं होता था गला। अब हल्का सा भी स्मोक चले जाए तो चोक हो जाता। तो खैर मैं बहुत अच्छे इस चीज़ को नोटिस करता रहा और मैं पापा को बोलता भी रहा कि चले चले चले, लेकिन मेरे पास खुद भी टाइम नहीं था कि मैं डॉक्टर को दिखा सकूं। लेकिन अब फाइनली इतना वर्स हो गया कि मतलब मेरी आवाज़ ना, एक होता ना आवाज़ का उतार चढ़ाव, वही ख़त्म हो गया। तो मतलब एज एन एक्टर तो मेरे लिए और ही जहर है ये, कि मतलब मैं कोई ऑडिशन नहीं देता जाके मैं बोलता हूँ यार मैं कोई डिलीवरी नहीं दे पा रहा डायलॉग की, तो मैं बोलूँगा कैसे, मतलब मैं कैसे कॉन्फिडेंटली अपने आप को बेचूँगा। तो अब मैंने बोला भाई अब तो जाना ज़रूरी है, तो हमने एक डॉक्टर को दिखाया है, वो PhD हैं, और PhD बोल रहा हूँ, वो MBBS किया हुआ है उन्होंने, और मतलब वो इसी के स्पेशलिस्ट हैं गले वाले के। तो उन्होंने दवाएँ वगैरह दी हैं मुझे और मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। 1 महीने का पूरा प्रोसेस है, अभी 4th दिन है। मतलब बहुत बेटर फील हो रहा है मुझे वैसे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्टार्ट हो गया है यहाँ पे हल्का होना। तो बस ये मुझे बताना था, पता नहीं क्यों मैंने इस बात पे लंबी की, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोग जो ना, क्योंकि यार देसी हॉस्पिटल का सबसे बड़ा मसला पता क्या है, इतनी सारे मसले और इतनी सारी बीमारियाँ उन लोगों को होती हैं जो वो ये बोल के डाल देते हैं अभी चले कुछ नहीं होता, अभी ठीक हो जाएगा, अभी खा ले ठीक हो जाएगा। इतनी सारी दवाएँ, मतलब वो इतनी सारी चीज़ें हम लोग ऐसी करके ना वो कर देते हैं, रफा दफा कर देते हैं मामले को, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे क्या पता था क्रॉनिक फेरेंजाइटिस जैसी कोई चीज़ होती है और वो मुझे हो सकती है, बट अब है। और यार दुआ करना आप लोग के ये जल्दी सही हो जाए। लेकिन खैर इस बात पे तो मैं आज बहुत लंबी हो गई, पॉइंट ये है कि अब मैं ना इंस्टाग्राम वगैरह पे भी रील्स वगैरह बना रहा हूँ अपनी, और सारी चीज़ें वगैरह कर रहा हूँ। तो आज मैं उसी तरह का कोई काम करने वाला था, मैं अपनी जो लंबी वीडियो है उसके लिए भी कुछ शूट करूँगा, वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊँगा क्योंकि वो अभी आने वाली है इस वीक, तो इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक, तो वो आप उससे थोड़ा छुपाना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत मज़े की वीडियो है, मैं बता रहा हूँ वो बहुत मज़े की वीडियो है। दूसरा वो क्या मस्त हवा चल रही है, आप चलिए ना हवा सही वाली। दूसरा ये कि मैं इंस्टा रील बना रहा हूँ, तो उसके मैं डांस वीडियो बना रहा हूँ आज, तो उसके लिए ज़रा तैयार वैयार होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या शूट कर रहा है क्या शूट नहीं कर रहा। हाँ तो जो डांस रील की मैं बात कर रहा था उसकी तैयारी में, अभी याद देख अभी भी गले में ना प्रेशर है, दवा खाइए लेकिन खैर प्रेशर है, तो अभी मैं डांस रील की तैयारी कर रहा था। और क्या नाम है, मैंने अब रेडी हो गया हूँ, तो मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मुझे क्या पहनना है, क्या पहनने वाला हूँ। तो मैंने सोचा था कि आजकल ना बैगी चीनो बोल रहा हूँ यार, क्या दिमाग कोड़ मगज मैं बोल रहा हूँ, आजकल बैगी कार्गोस का बड़ा दौर है, तो मैंने ढूंढ रहा था कि कोई मुझे फिटेड, मतलब जो कमर से फिट हो लेकिन नीचे से ना थोड़ी खुली खुली हो, उस तरह की कार्गो मिल जाए। तो गैस आपके भाई को मिल गई, और वो भी वो कलर जो आपके भाई को चाहिए था, ये वाला कलर है, और ये इस तरह की कार्गो मिल गई। आप ज़रा इमेजिन करें कितने की होगी, कितने की होगी यार मुस्लिम, यार मार्केट में तो 2,000-2,500 की मिल रही है, तो तुम्हें क्या 1,500 रुपये की मिल गई होगी, 1,000 रुपये की मिल गई होगी,
300 रुपए की। 300 रुपए की? आपके भाई को 300 रुपए दे जा। अगर कुछ खरीदना है ना तो पैसों से नहीं, अकल से खरीदो और जगहें निकालो, तलाश करो, जुगाड़ू तरीका भाई। संडे बाजार जिंदाबाद। मैं वहाँ भी लेके चलूँगा एक दिन, लेकिन अभी के लिए 300 रुपीज़ ओनली। मैं दिखाऊँगा कैसी लग रही है, आई लव इट। अच्छा, मेरे पास कोई बैगी शर्ट नहीं है क्योंकि मैं बैगी शर्ट्स पहनता नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ अच्छी लगती क्योंकि वो रेल जिस टाइप का गाना है ना तो उसमें अच्छी लगती। लेकिन मेरे पास है नहीं, तो मैंने सोचा कि शर्ट पहन लूँ मैं एक डार्कर टोन की, तो उस पर अच्छी लगेगी। तो ये एक डार्किश ब्लू टाइप शर्ट है जो मैं उसके ऊपर पहनने वाला हूँ, और उसके ऊपर मैं पहनूंगा जैसी बात है वाइट कलर के स्नीकर्स। तो चलते हैं ऊपर और दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे इंस्टाग्राम पे कितनी सारी हम रोज़ रील्स देखते हैं, टिकटॉक पे टिकटॉक्स देखते हैं, और हमें लगता है कितनी आसानी से ये लोग रील्स वगैरह बना लेते हैं यार। लेकिन जो हम नहीं जानते वो उसके पीछे की मेहनत है। इस पर भी मैंने थोड़ी मेहनत की, थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए थी वैसे। ये आप इंस्टाग्राम पे रील देख सकते हैं, मुस्लिमानिया सेम नाम की है, फॉलो करें और जाके लुत्फ उठाएं उस रील का। और भी कहीं रील्स बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, देख सकते हैं आप, मज़ा आएगा। हाँ तो यार, कल मैं रिकॉर्ड करके बहुत थक गया था, तो मैंने कहा, और वो बहुत काम भी चल रहे थे। मैं आपको बताया ना, एक काम आया है जो मैं करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन मैंने रील पोस्ट की कल और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका भी, टिकटॉक पे भी। आजकल टिकटॉक की बड़ी गेम है भाई, टिकटॉक को आप लोग सीरियसली लो, क्योंकि टिकटॉकर जो है ना बड़े चल रहे हैं। तो खैर, उस पर भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा सारी चीज़ें। आज भी एक रील पोस्ट की है, क्योंकि आपको पता मैं गाता वाता भी हूँ, तो थोड़ा सा ट्राई व्राई करके हमने पोस्ट कर दिया। अब असल में आज का मामूल ये है कि बाल हो गए बहुत कम, बुढ़े हो रहे हम, तो अम्मी ने बनाया एक तेल। तो मैंने कहा यार, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है कि अम्मा खुद अपने हाथ से तेल लगा दें। मैं हूँ भी नहीं इसी, तो मैंने कहा अम्मी यार ज़रा तेल लगा दें। तो अभी तेल लग रहा है, उसके बाद ज़रा बताते हैं कि क्या सीन बनता है। तेल लगा रहे वैसे यार, अम्मी के हाथ से जो है ना वो चंपी कराने का मज़ा ही कुछ और है। बाल बहुत झड़ गए हैं यार, लेकिन मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ अभी, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ टूट, पता ही होगा आपको। ओ मुझे बता दिए कि इतनी टेंशन लेने का नहीं, खुद ही आ जाएगा सब कुछ, ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा होगा, तो बस अब सोच नहीं रहा। अभी अभी मैं जिम से निकला हूँ, गया जिम, और अभी देखो मैं दिखा सकता हूँ आपको फ्लैक्स वैक्स, लेकिन अभी दिखाना नहीं है ना, वो है किसी और वीडियो के लिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं बंद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इधर उधर की बातें बहुत हुई हैं, और मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ अपना वो जो है ना वो जो प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रहा था उसी की लोकेशन देखने जानी है। लेकिन वो भी मैं आपको क्यों दिखाऊँ, क्योंकि उसका BTS भी तो डालना है, फिर तो वो पर्पज़ ही डिफीट हो जाएगा। तो अब के लिए हम करते हैं बंद, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।